दोस्तों, खुद को पढ़ो, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसकी एक ये ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं खुद डेली प्रैक्टिस करता हूँ, और एक बड़ी बेसिक एक्सरसाइज है। इट्स जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टेप। दिस इज 10 मिनट साइलेंस ब्रेक्स। आप अपने पूरे दिन में स्टार्ट विद 2 एंड देन टेक इट अप टू 4। स्टार्ट करें 2 बार साइलेंस ब्रेक लेने से और उसको आप 4 दफा तक ले जा सकते हैं। मैं 10 मिनट का काउंटडाउन टाइमर लगा के, जिसमें मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे होता है, पर 10 मिनट का काउंटडाउन टाइमर जो है वो लगाकर आप अपने फोन पर या किसी और गैजेट पर एक काउंटडाउन टाइमर लगा सकते हैं 10 मिनट का, और सिर्फ एक साइलेंस और मेंटल क्लियरिंग आउट ब्रेक है ये। इसमें अभी कुछ विजुलाइजेशन वगैरह हम नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द फर्स्ट स्टेप, बट एट द फर्स्ट स्टेप इज जस्ट डिसकनेक्टिंग फ्रॉम, आप जो भी कर रहे हैं उससे डिसकनेक्ट होना है, टेक्नोलॉजी से या किसी भी और चीज़ से, या माइंड में कुछ थॉट्स बड़ी तेज चल रही हैं, कुछ इशू है जो वो एक उसने पकड़ा हुआ है एकदम से माइंड को। तो ये जो 10 मिनट ब्रेक है इज जस्ट अ सिंपल ब्रीदिंग ब्रेक, इज जस्ट अ सिंपल क्लियरिंग आउट ब्रेक, इज जस्ट अ सिंपल स्टेबलाइजेशन सॉर्ट ऑफ ब्रेक वेयर यू आर साइलेंट, और आप अपने माइंड को स्टिमुलेशन बंद करेंगे इन दीज 10 मिनट्स। वन ऑफ द मेजर कॉजेज एंग्जाइटी के पीछे, डिप्रेशन के पीछे, नेगेटिव थॉट्स के पीछे, ओवर मेंटल स्टिमुलेशन जो आजकल हमें मिलती है, ज़रूरत से ज़्यादा जो माइंड स्टिमुलेट हो रहा है वो उसके कारण है। सो हेयर्स व्हाट आई डू इन माय 10 मिनट साइलेंस ब्रेक। आई गो टू अ प्लेस वेयर आई विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय समवन, और उन 10 मिनट में मैं सिर्फ अगर कुछ अच्छा म्यूज़िक मुझे मिल जाए, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक, तो वो लगा लेता हूँ, और जस्ट अपने बॉडी को रिलैक्सेशन की स्टेज में ले जाकर इन 10 मिनट में मुझे अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। थॉट्स आएंगे जाएंगे, दैट्स पार्ट ऑफ द मेंटल प्रोसेस। मुझे उनको आइडेंटिफाई करके रिलीज़ करना है, हैव टू रिलीज़। मैं इसमें अपने पूरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं डालूंगा कि मेरी थॉट्स नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों जा रही हैं, द माइंड विल गो एनी विच डायरेक्शन इन द बिगिनिंग, बट मुझे उसको रिलीज़ करना है। मुझे जैसे पता लग गया मेरा माइंड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो धीरे से उस चीज़ को रिलीज़ करना है, उसको ब्रेक लगा के वहीं पे, और फिर से जो कॉन्सेंट्रेशन है अपनी वो अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लेके आनी है। और इन 10 मिनट में मुझे जो नॉर्मली हमारे रोज़मर्रा के जो डेली अफेयर्स में जब हमारी ब्रीदिंग होती है वाइल वी आर वर्किंग, वो काफ़ी शैलो रहती है, एंड शैलो ब्रीदिंग इज़ वन ऑफ द कॉजेज वाई पीपल रिमेन वेरी स्ट्रेस्ड। सो इन 10 मिनट में मुझे डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। सो मैं लंबे सांस खींच के प्रॉपर इन्हेलेशन लेके अपने ब्रेथ को कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करके एक्सहेल कर रहा हूँ इन 10 मिनट में, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जहन में रखिए, शुरू में आपकी बॉडी, आपका माइंड इस पूरी 10 मिनट को काफ़ी रिजिस्ट करने वाला है। आपके माइंड में अर्ज होगी अपने फ़ोन को चेक करने की, अपने ट्विटर फीड को, अपने व्हाट्सएप को चेक करने की, आपके हैंड्स और फीट में भी आपको मूवमेंट ऐसे ट्विचिंग भी हो सकता है थोड़ी बहुत लगे, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको आपका माइंड यूज टू नहीं है। आप अपने मिडल ऑफ द वर्क डे में ब्रेक लगा रहे हैं जबकि आपका माइंड पूरी एक्सेलरेशन पर जा रहा था। सो ये रेजिस्टेंस आने वाली है, आप इसको आइडेंटिफाई करें और रिलीज करते जाएं साथ साथ। जस्ट कीप ब्रीदिंग इन फुली, इनहेल एज डीपली एज यू कैन, एंड अगर आप कोई एफर्मेशन यूज़ करते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट करने से आपके माइंड को अच्छा फील होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट में। इस पॉइंट पर मैं कोई डिटेल्ड विजुलाइजेशन नहीं करता हूँ, जस्ट सिर्फ एक ही विजुलाइजेशन रहती है कि जैसे मैं एक्सहेल कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में से स्ट्रेस निकल कर जा रही है, इनहेल कर रहा हूँ तो एनर्जी आ रही है। सो इनहेलेशन के टाइम पर माई बॉडी इज़ गेटिंग इन ऑक्सीजन एंड इज़ गेटिंग इन एनर्जी, एंड एक्सहेलेशन के टाइम पर यानी सांस छोड़ने के टाइम पर मैं ये विजुलाइज करता हूँ, ये माइंड में ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि सारी स्ट्रेस मेरी बॉडी को छोड़कर जा रही है। अगर कोई एफर्मेशन की स्टेटमेंट आपके लिए इफेक्टिव है तो आप उस स्टेटमेंट को मन में समय दोहरा सकते हैं। एंड सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एक्सरसाइज, सिर्फ हमें डिसकनेक्ट करना है अपने माइंड के वाईफाई को, के राउटर को स्विच ऑफ करना है, एंड जस्ट हम वी हैव टू गो इनटू अ स्लोअर पेस एंड वी हैव टू स्लो डाउन अवर थॉट प्रोसेस एंड कम बैक इनटू नॉर्मल, व्हाटएवर इट इज दैट इज वेटिंग ऑन योर डेस्क, और जो भी चीज़ जिनकी अटेंशन की ज़रूरत है आपको, आप वापस उस चीज़ में आ सकते हैं। जस्ट अ 10 मिनट डिसकनेक्शन एक्सरसाइज।
सो आई होप यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. ये जो सीरीज़ हैं आप इसका बेनिफिट तभी उठा पाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. इसकी परवाह मत करिएगा कि लोग क्या सोचेंगे और हाउ यू नो बिकॉज दिस इज़ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये 100 में से 1% लोग इस चीज़ को करते होंगे. सो काफ़ी नेचुरल है कि लोगों के अलग अलग तरह के रिएक्शंस होंगे, क्रिटिसिज्म भी होगी, हंसी भी होगी, रेज्ड आईब्रोज भी होंगे और इंटरेस्ट भी होगा. पर डोंट गेट टू एक्साइटेड अबाउट टीचिंग इट टू समवन इमीडिएटली. आपके ये मन में ये चीज़ होगी कि मैं अभी इमीडिएटली दूसरों को भी सिखाना शुरू करूँ. मेरा निवेदन रहेगा पहले इसको अच्छे से सीखें, अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और जब ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाए ज़रूर आप दूसरों को भी टीच करें. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो खुद तक रखनी चाहिए. जितना बांटेंगे उतना आपके अपने खुद के विचार, अपने खुद के बिलीव्स इस चीज़ में और स्ट्रांग होते जाएंगे. थैंक यू.